रहीम अस्सलाम के व्यूअर्स, आज समीनाज डेली रूटीन में मैं चिकन ग्रेवी बना रही हूँ। मैंने प्याज थोड़ी सी जो है वो डाल दी है इसमें, और इसी के साथ मैं अपनी चिकन को फ्राई करूँगी। और हम इस चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे। फ्लेम मैंने जो है इसका तेज़ कर दिया है। हमने अपनी चिकन को गोल्डन फ्राई करना है। चिकन के ऊपर मैं नमक स्प्रिंकल कर दूंगी। हाँ जी, हमारा उधर चिकन फ्राई हो रहा है, और ये हैं वो मसाले जो हम इसी घी में डाल के फ्राई करेंगे, और फिर इसको हम निकाल लेंगे और इसको फिर ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये गोल्डन फ्राई करके निकालिए चिकन। अब ये हम सारे अपने इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे और इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। बस मुझे इतना ही इसको फ्राई करना था, मैं सबको निकाल लेती हूँ। नाज़रीन, ये मैंने इसको ब्लेंड कर दिया, अच्छा सा पेस्ट बना के डाल दिया। अब हम इसमें अपने बाकी की चीज़ें डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, के साथ हम अपने पाउडर मसाले भी साथ साथ डालते जाते हैं ताकि ये भुन जाए अच्छे से। इनके साथ धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये हमारी ये भी रेड चिली है जो रेगुलर होती है, खाने में डलती है, हल्दी पाउडर, और नाज़रीन ये जायफल जावित्री और छोटी इलायची पिसी हुई है, ये एक साथ है, ये मैंने अभी डाल दी है इसको ताकि ये इसके साथ अच्छे से कुक होगी, पकेगी तो इसकी खुशबू अच्छी से निकल के आए हमारे सालन में। मैं इसको ढक के पकाऊंगी और फिर हल्की आंच पे इसको भूनने तक हम इसको पकाएंगे। लेकिन नाज़रीन, हमारा मसाला भुनने के नज़दीक है। अब इस वक्त मैं चिकन को इसमें डाल के और चिकन के साथ इसको भूनूंगी ताकि चिकन का अच्छा सा, चिकन में मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और हमारी चिकन इसमें गल भी जाएगी भुनते वक्त।
फिर नाज़रीन हमारे मसाले ने अच्छा सा घी छोड़ दिया और हमारी चिकन अच्छी सी भुन गई है। अब मैं इस टाइम पे इसमें दही डालूंगी। नाज़रीन ये घर का दही है जमा हुआ, ये भी मैं आपके साथ जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूंगी, क्योंकि हमने इसमें अच्छी सी ग्रेवी बनानी है इसलिए मैं ज़्यादा दही इस्तेमाल कर रही हूँ। और दही जायका भी बहुत अच्छा कर देता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है हमारा ग्रेवी में जो हम या सालन बनाते हैं, उसका दही की वजह से उसका जायका बहुत अच्छा आ जाता है। इस टाइम पे नाज़रीन मैं थोड़ा सा हाफ चम्मच जो है छोटा वो डालूंगी ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ है ये कुटा हुआ है, और थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला भी इतने सा इस्तेमाल करेंगे, दो चुटकी जितना। नाज़रीन इसको मैं 4-5 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको अपनी जो रेसिपी है इसको डिश आउट करूँगी। नाज़रीन मेरी रेसिपी तैयार है चिकन ग्रेवी, मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल जाए। शुक्रिया।